इन्वाइट आपने किया था, मीडिया वाले बोल रहे थे अभी बात कर रहे हैं वाले मीडिया वाले बोल रहे थे कि आपने तरीका ही नहीं है। बुलाया करे बस इधर आपने बुलाया था मीडिया वालों को, आपको मैसेज भी बोलता हूँ मीडिया वालों को, सिर्फ छड़ोगे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे और मीडिया को इनविटेशन भेजा गया था कि आप भी इस प्रोग्राम को कवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट रतनलाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने किस तरह से मीडिया को धक्के मारे हैं आपने इन वीडियो में साफ तौर से आपने देखा। मीडिया जो था वो आपके बुलावे पर वहाँ पर पहुँचा था क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ पर पहुँचे थे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन उसी बीच रतनलाल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने किस तरह से नेशनल मीडिया को और वहाँ की जो लोकल मीडिया है किस तरह से धक्के मारे के आपने साफ तौर से आपने देखा। जब भी नेताओं को मीडिया की ज़रूरत पड़ती है तब आप मीडिया को बुला लेते हैं क्योंकि आपको अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचानी होती है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो अपने फ़ायदे के लिए मीडिया का फ़ायदा उठाते हैं लेकिन जब अपना फ़ायदा निकल जाता है तो आप मीडिया के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं ये जम्मू कश्मीर की जनता ने देख ही लिया होगा। इसलिए ये वीडियो जो है मैंने पहले चलाया ताकि जनता तक ये वीडियो जो है वो अच्छे से पहुंच सके। और जम्मू का ये नेता है जिन्होंने मीडिया को धक्के मारे, अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय से बाहर निकाला गया। अब कारण क्या था ये तो हम नहीं जानते हैं लेकिन आपने ये तस्वीरों में देखा कि किस तरह से मीडिया को जो है वो बाहर निकाला गया, धक्के मार के बाहर निकाला गया। क्या कारण थे, किसने कहा, किसके कहने पर आपने ये काम किया है ये आप ही जानते हो। और मुझे लगता है कि आपको जो है वो कश्मीरी नेताओं की जो चापलूसी है वो ज़्यादा पसंद आती है। हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा होगा कि मीडिया को बाहर निकालो और आपने वो कर डाला, आपने कुछ भी नहीं सोचा कि ये वो मीडिया है जो आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाती है। आप जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप मीडिया को बुलाते हैं, आपने कोई भी प्रोग्राम करना हो तो आप मीडिया को बुला लेते हैं लेकिन जब आपका फ़ायदा निकल जाता है तो आप मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो मीडिया ने भी वहाँ पर अपना स्टैंड लिया और इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो बैकआउट कर लिया। जो समारोह उन्होंने वहाँ पर करना था, जो श्रद्धांजलि उन्होंने वहाँ पर देनी थी, मीडिया ने उसे कवर नहीं किया। मीडिया जो है वो खुद बाहर आ गई और इस पूरे प्रोग्राम को बैकआउट कर दिया। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो अपने फ़ायदे के लिए मीडिया का यूज़ करते हैं और बाद में आप किस तरह से मीडिया का व्यवहार करते हैं ये आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो जम्मू पहुँचे थे और मीडिया को इनवाइट किया गया था, मीडिया को पर्सनली इन्विटेशन भेजा गया था। लेकिन जब मीडिया वहाँ पर पहुँचती है और मीडियाकर्मियों से किस तरह का व्यवहार किया जाता है ये आपने साफ तौर से देखा।
अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने ये व्यवहार मीडिया के साथ किया है ये कितना बर्दाश्त के काबिल है, किस तरह की कार्रवाई जो है वो ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जो अपने फायदे के लिए मीडिया का यूज़ करते हैं लेकिन जब अपना काम निकल जाता है तो मीडिया के साथ किस तरह का व्यवहार जो है वो किया जाता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।